सीतापुर समाजवादी पूर्व नेता हाजी सिराज ने अब थामा कांग्रेस का हाथ। सीतापुर कांग्रेस की कदावर महिला नेता एआईसीसी सदस्य समीना सफी की प्रेरणा से जहां नगर पालिका परिषद लहरपुर अध्यक्ष प्रत्याशी रहे हाजी सिराज अपने दर्जनों साथियों सहित कांग्रेस में शामिल हुए, वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी सीतापुर से कलीम अहमद व पूर्व जिला पंचायत सदस्य विश्वास सीतापुर से सलीम अहमद और 35 सदस्यीय क्षेत्र लखनऊ से निर्दलीय प्रत्याशी रहे शैलेन्द्र सिंह यादव ने अपने तमाम साथियों सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, प्रदेश संगठन प्रभारी सतीश अजवानी जी, प्रदेश फ्रंटल प्रकोष्ठ संगठन प्रभारी वीरेंद्र मदन, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अयाज खान की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आइए जानते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी से उनकी क्या नाराजगी थी और कांग्रेस का दामन थामने को क्यों वे मजबूर हुए। क्या नाम? रामपाल। कहाँ रहते? हटिया। क्या माहौल है इलेक्शन का? माहौल का गैया चल रहे हैं खेत वो सब। आजादी है, मामा मोदी की गैया चल रही। कहाँ वोट करोगे? कांग्रेस। क्या नाम है? अमरेश। कहाँ रहते हो? हटिया। क्या माहौल है इलेक्शन का? कांग्रेस वोट। कांग्रेस को किस लिए? गई चलती हूँ। क्या नाम है तुम? रोहित। कहाँ रहते हैं? हटिया। बड़ी लोकसभा इलेक्शन का क्या माहौल है, कहाँ वोट कर रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस है। किस लिए? जानवर बल। रेडी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लहरपुर के सपा वरिष्ठ नेता हाजी सिराज अहमद के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने सपा के वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चश्मा उतारकर कांग्रेस का हाथ थामा। ऐसी क्या वजह रही है कि हाजी सिराज जो जमीनी स्तर के नेता थे समाजवादी पार्टी से, ऐसी क्या नाराजगी समाजवादी पार्टी से हुई जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है? आज सपा के वरिष्ठ नेता हाजी सिराज अहमद हमारे बीच मौजूद हैं, आइए उनसे हम खुद जानते हैं कि क्या ऐसी नाराजगी और क्या बात रही जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। आप जमीनी स्तर के नेता थे, समाजवादी पार्टी के लिए आपने बहुत सी ऐसी मेहनत की, क्या ऐसी वजह, क्या ऐसी नाराजगी समाजवादी पार्टी से हुई जिससे आपने कांग्रेस का हाथ थामा? कांग्रेस का हाथ हमने इसलिए थामा, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस की नीतियां हमको अच्छी लगी। हम पिछले चुनाव में राहुल जी से मिले, हमने उनको इसमें चिन्ह भी दिया, हमको अच्छे नेता लगे, कांग्रेस की नीतियां अच्छी लगी और कांग्रेस ही ऐसी है जो देश चला सकती है। बाकी ये पार्टियां तो आपस में लड़के ही खत्म हो जाएंगी, इन पार्टियों में तो कोई दम रहा नहीं। किस तरह आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे 2019 के चुनाव के लिए, क्या एजेंडा है आपका? हमारा एजेंडा है, हमारे बड़े नेताओं ने, हमारे राहुल जी ने किसानों का कर्जा माफी का ऐलान किया है कि हम कर्जा माफ करेंगे, काम करेंगे क्षेत्र में, गांव में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। सपा बसपा का गठबंधन मजबूत गठबंधन माना जा रहा है, ऐसे में आपने सपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, ऐसे तो नहीं कि डूबती नाव में आप सवार हो रहे हैं? नहीं, हम डूबती नाव में सवार नहीं हो रहे, डूबती नाव वो है सपा और बसपा, वो डूब रही है, उसमें कुछ नहीं बचा भी है, आपस में गठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला है और बाकी कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हमारे साथ रहे, समीना सफीक जी वगैरह भी सब हमको मिले, सभी ने कहा कि आप आ जाइए, अच्छा काम रहेगा, आप भी पार्टी में अच्छा काम करिए, आगे हो सकता है हम आपको चुनाव भी लड़ाएं। जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं श्याम बेग सहयोगी आशीष के साथ, टॉप न्यूज लहरपुर।